हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिम्मी। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी ब्लॉगर सिम्मी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और देखने में उतनी ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसे हम बाउल में डाल देंगे और डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथ से अच्छे से क्रश कर लेंगे। आधा चम्मच नमक, दो चम्मच देसी घी जिसे मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। मोयम को हम आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मोए हमारा रेडी हो चुका है। देखिए, इस तरह से हम बना लेंगे मुट्ठी में अपनी। जब ये आटा सेट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा मोयम अच्छे से तैयार हो गया है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक सख्त डो तैयार करेंगे। आटे को हमें सख्त ही लगाना है, मुलायम नहीं लगाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो मैंने सख्त डो लगा के तैयार कर दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढककर एक साइड में रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो सबसे पहले हम आलूओं को छीलकर कद्दूकस कर लेंगे। पहले से ही मैंने आलू को उबालकर रख लिया था, तो मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी। इसे हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इसे हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथ से मिला लेंगे। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा सेट हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे।
तो हम इस तरह से इसे मसल लेंगे। अब इसे हम चाकू की सहायता से बीच से कट कर देंगे। और हम छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। हम एक साइज के पेड़े कट करेंगे। देखिए मैंने पेड़ों को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसे हम गोला गोला बनाकर बाउल में रख देंगे। मैंने यहाँ पर सूखा आटा भी लिया है, थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे और हम टिक्की बना लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हम जैसे पूरियाँ बनाते हैं छोटी छोटी, वैसे हम छोटी सी पूरी बना लेंगे। हम इसे पूरी का आकार देंगे। एक मैंने बना ली है, इसी साइज की हम एक और बना लेते हैं। तो मैंने दो बनाकर रेडी कर ली है। हमें इसे बहुत पतला नहीं बनाना है, जैसे हम रोटियां पूरियां बनाते हैं बिल्कुल हमें वैसे ही बनाना है। तो हम एक चाकू लेंगे, इससे एक लंबा सा कट करेंगे। अब बगल में इससे छोटा कट करेंगे, अब इसके बगल में उससे छोटा कट करेंगे। इसी तरह से छोटा और बड़ा कट हम कर लेंगे। आप और भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 5 कट किए हैं। आगे हम और भी कट करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हम ऊपर से इसे प्रेस कर देंगे और हम किनारे की साइड पानी लगा लेंगे इस तरह से। तो मैंने चारों साइड से पानी लगा लिया है। हम अपनी स्टफिंग को रखेंगे इस तरह से और हम इसे उठाकर किनारे के साइड ले जाके चिपका देंगे इस तरह से। ये देखिए, हाथ से हम उठा के इस तरह से इसे ढक देंगे। इसका मुंह हम बंद कर देंगे। आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिए। तो मैंने एक बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे और हम दूसरा भी आपको बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए, एक लंबा सा कट करेंगे पहले हम इस तरह से, उसके बाद उससे छोटा कट करेंगे, उसके बाद उससे छोटा कट करेंगे, उसके बाद उससे छोटा। इसी तरह से हम एक बड़ा कट पहले करेंगे, उसके बाद छोटा छोटा कट करेंगे। इसमें हम ढेर सारे कट कर रहे हैं, ये देखिए। देखने में जितना ही कठिन लगता है, बनाने में उतना ही इजी है। आप इसे जरूर बनाइए अपने किचन में, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो हम किनारे से ऐसे इसमें भी पानी लगा देंगे चारों तरफ से और अपनी स्टफिंग को किनारे रख देंगे इस तरह से। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए, इसमें इतनी सारी लेयर पड़ी हुई है। अब इसका मुंह हम इधर से बंद कर देंगे चारों साइड से। ये देखिए, इसमें इतनी सारी लेयर पड़ी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है।
इसी तरह से हम अपने सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, हम गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे। और इसे हम चेक कर लेते हैं, तो इसे हल्का सा पलट देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, हम इसे एक मिनट तक और फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इसे और चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा भी और बाकी है, तो थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसे निकाल लेते हैं, बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपने सारे फ्राई कर लेंगे। हमने गैस को एकदम लो फ्लेम पर किया है। इसे हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और अब करेंगे हम इनकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, तैयार हो चुकी हमारी मैदे और आलू से बनी हुई बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है और देखने भी उतनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप अपने किचन में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे आपको तोड़कर दिखाते हैं। आप आलू की जगह सब्जियों का भी स्टफिंग बना सकते हैं, पनीर का भी स्टफिंग बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लेयर कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार इसे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय करें। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।